नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के पानीपत में दिवाली की रात 18 जगहों पर आग लगी। गनीमत रही कि किसी भी आगजनी में कोई जन की हानि नहीं हुई, मगर अपनी मांगों के चलते हड़ताल पर गए दमकल कर्मियों की कमी खली, या यूं कहें कि इन हड़ताली कर्मियों की गैर मौजूदगी में अव्यवस्था फैली। दरअसल दमकल वाहन चलाने के माहिर ड्राइवर ही हड़ताल में शामिल है, जिसके चलते आपातकालीन स्थिति में दमकल विभाग को रोडवेज ड्राइवर और पुलिस के होमगार्ड जवानों की मदद लेनी पड़ी। किसी तरह इनकी सहायता से दमकल वाहन को मौके पर ले जाया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान देशराज कॉलोनी स्थित पॉलीएस्टर यौन फैक्ट्री में आग लगने से हुआ है। इसके अलावा भैंसवाल रोड पर भी पॉलीएस्टर यौन फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। देशराज कॉलोनी में रिहायशी एरिया के बीच पिछले करीब 35 साल से दीपक हेडलूम के नाम से चल रही इस पॉलीएस्टर यौन फैक्ट्री में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में भड़क गई और पूरी बिल्डिंग को अपने घेरे में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि 5 घंटे तक भी उस पर पानी मारा गया। रात करीब 2 बजे आग पर काफी हद तक काबू पाया गया, मगर फैक्ट्री में रखा माल फिर भी सुलगता रहा। पड़ोसी सोनू उर्फ श्रवण कुमार ने बताया, उनकी फैक्ट्री के साथ लगता घर है। रात को पूरा परिवार दिवाली पूजन की तैयारी कर रहा था, इसी बीच घर के भीतर धुआं धुआं हो गया। यह देख सभी बाहर की ओर आए तो देखा कि फैक्ट्री में आग लगी हुई है। इसके बाद उनके घर समेत पड़ोस के कई घर खाली करवाए गए। उन्होंने ना ही दीपावली पूजन किया और ना ही खाना खाया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।